अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने पढ़ना ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होती है? कहता है मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर एलिमिनेट बाय द बायल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीट इनटू द यूरिन थ्रू द बायल। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ड्रग की जो होती है वो अब अभी तक हमने पढ़ चुके हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि ड्रग एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम जीएजी ट्रैक इंटेस्टाइनल रीजन से एब्जॉर्ब होती है, फिर आती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में वो डिफरेंट रीजन की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई। अब फिनोमेना आ जाता है मेटाबॉलिज्म का। सो मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग इज अकर्स विद इन द लीवर। लीवर के अंदर ड्रग जो होती है वो मेटाबोलाइज होती है। ठीक है, अब लीवर के अंदर जो ड्रग मेटाबॉलिज्म होती है वो दो तरह की होती है। लीवर के अंदर जो ड्रग मेटाबलाइज होती है वो दो मेथड से होती है, दो फेजेस होती है, वन इज द फेज वन एंड अदर इज द फेज टू। कहता है ड्रग आर मोस्ट एलिमिनेटेड बाय द बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन। अच्छा, द ड्रग आर मोस्ट एलिमिनेट बाय द बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन इन टू द यूरिन एंड द बाइल। द प्रोसेस ऑफ द मेटाबलिज्म, बेसिकली मेटाबलिज्म में क्या होता है कि जो ड्रग होती है वो ट्रांसफर होती है इन टू द लीवर। मेटाबॉलिज्म का मेन मकसद ये होता है किसी भी हाइड्रोफोबिक ड्रग को ये कन्वर्ट कर देता है इन टू द हाइड्रोफिलिक। जितनी ड्रग हाइड्रोफिलिक होगी, पोलर होगी, वो इतनी रैपिडली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है, वो कहता है रिएक्शंस ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म। किडनी कांट एफिशिएंटली एलिमिनेट द लिपोफिलिक ड्रग। कहते हैं कि जो लिपोफिलिक ड्रग है वो बॉडी से एलिमिनेट आउट नहीं हो सकती, किडनी उसको एलिमिनेट आउट नहीं कर सकता। और रेडिली जो इस तरह की ड्रग होती है वो किडनी ट्यूब्यूल से क्रॉस करती हुई ब्लड में वापस आ जाती है। तो लिपोफिलिक ड्रग को अगर हमने बॉडी से एलिमिनेट आउट करना है तो पहले उसे हाइड्रोफिलिक बनाना जरूरी होता है। तो वो दो फेजेस होती हैं जिससे कोई भी लिपोफिलिक ड्रग जो होती है वो हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट होती है। वन इज द फेज वन रिएक्शन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ द लिपोफिलिक मॉलिक्यूल इनटू द मोर पोलर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल बाय एक्सपोजिंग द पोलर फंक्शनल ग्रुप। उसके साथ पोलर फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं तो जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोफिलिक। जितनी पोलैरिटी बढ़ जाती है उतनी हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। मेनली इट इज ऑक्सीडेशन बट सम टाइम देयर इज अ रिडक्शन ऑफ द हाइड्रोलिसिस। नॉर्मली ऑक्सीडेशन होती है लेकिन कभी कभार रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस का भी फिनोमिना होता है, जिससे क्या होता है मोर लिपोफिलिक ड्रग जो होती है वो मोर हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है। फेज टू के अंदर क्या होता है, दिस फेज इज कंसिस्ट ऑफ द कंजुगेशन रिएक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी लिपोफिलिक ड्रग को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द हाइड्रोफिलिक ड्रग। हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट होने के बाद हम उसकी हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्जन क्या होगी, थ्रू द ऑक्सीडेशन, थ्रू द रिडक्शन, थ्रू द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब दूसरी चीज होती है कि जब हाइड्रोफिलिक ड्रग जो है अगर वो बहुत इतनी सफिशिएंटली हाइड्रोफिलिक नहीं हुई तो वो किडनी से एलिमिनेट आउट हो सके तो फिर उसे मजीद हाइड्रोफिलिक करना नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। मजीद हाइड्रोफिलिक वो कैसी होगी, बाय द फेज टू रिएक्शन। फेज टू इज द कंजुगेशन रिएक्शन जिसमें उसके साथ ऐसे फंक्शनल ग्रुप लगा दिए जाते हैं जो पोलर नेचर के होते हैं। सो मेनी फेजेस वन मेटाबोलाइज आर टू लिपोफिलिक टू बी रिटेन्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल। आर सीक्वेंस सब्सिक्वेंटली कंजुगेशन रिएक्शन विद द एंडोजीनियस सब्सटेंसेस सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, अमाइनो एसिड रिजल्ट इन टू द पोलर एंड मोर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड दैट एक्सक्रीट बाय द किडनी। सो मेटाबॉलिज्म जब आप पढ़ते हो तो ज़हन में यही रखें कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग जो है वो पोलर ड्रग में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ड्रग जो है वो पोलर ड्रग में कन्वर्ट हो रही है, पोलर बन रही है। अगर ड्रग जितनी पोलर बनेगी उतनी ही वो ज्यादा एक्सक्रीट आउट होगी और जितनी ड्रग नॉन पोलर रहेगी उतनी ही वो उसकी एक्सक्रीशन कम होगी। सो ड्रग को पोलर बनाने के लिए ड्रग को दो फेजेस से गुजारा जाता है, वन इज द फेज वन एंड अदर इज द फेज टू। फेज वन में जो होता है वो लिपोफिलिक ड्रग को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द हाइड्रोफिलिक ड्रग,
through the process of the oxidation, through the process of the reduction, through the process of the hydrolysis. ये तीन process उसके ऊपर perform किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई भी lipophilic drug convert हो जाती है into the hydrophilic drug. Phase two reaction में क्या होता है, यही hydrophilic drug जो होती है वो under the conjugation आती है. ठीक है, कंजुगेशन. अब अगर तो ड्रग इतनी लिपोहाइड्रोफिलिक हो गई है तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाए थ्रू द किडनी, दैट इज एनफ. ठीक है, लेकिन अगर ड्रग इतनी लिपोफिलिक नहीं, हाइड्रोफिलिक नहीं रही कि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए थ्रू द किडनी, तो उसे मजीद हाइड्रोफिलिक बनाना जरूरी होता है. मजीद हाइड्रोफिलिक कैसे बनाया जाएगा, उसको उसके साथ मजीद फंक्शनल ग्रुप अटैच करके उसे और ज्यादा हाइड्रोफिलिक बनाया जाएगा. सो मेनली इट इज ऑक्सीडेशन, बट सम टाइम देयर इज द रिडक्शन आर द हाइड्रोलिसिस. सो फेज टू रिएक्शन की अंडर गोज आती है, मजीद उसको हाइड्रोफिलिक अगर बनाना है कैसे बनाएंगे. सो कहता है मेन फेज वन मेटाबोलाइट्स आर टू लिपोफिलिक टू बी रिटेन विद इन द किडनी ट्यूब्यूल्स. वो इतने लिपोफिलिक होते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर ही रह जाते हैं. सब्सिक्वेंटली हम कंजुगेशन रिएक्शन से उसे फ्लो करवाते हैं, जिससे क्या होता है वो एंडोजीनियस सब्सट्रेट सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड और अमाइनो एसिड से क्या होता है वो पोलर और मोर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड दैट एक्सक्रीट बाय द किडनी, उससे भी ज्यादा वाटर सॉल्युबल बन जाते हैं जो कि एक्सक्रीट आउट होते हैं थ्रू द किडनी. अब ड्रग पोलर हो गई है, ठीक है, ड्रग इजिली एक्सक्रीट आउट हो सकती है किडनी से, सो इट इज फेज टू रिएक्शन. इसके बाद हमने ड्रग को किडनी से एलिमिनेट आउट करना है, ड्रग एलिमिनेशन. एलिमिनेट आउट कैसे करते हैं, रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी, नंबर ऑफ द रूट से ड्रग एलिमिनेट आउट होती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट जो होता है वो होता है थ्रू द किडनी इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन. जो अदर रूट होते हैं वो बाइल, इंटेस्टाइन, लंग्स, मिल्क, नर्सिंग वुमेन्स, बहुत सारे रूट्स होते हैं ड्रग एलिमिनेशन के. स्किन हो गई, बाइल हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट होता है दैट इज द किडनी. कहता जो जिस बंदे का किडनी फेल हो गया है, रेनल फेलियर है, वो एक्स्ट्रा कार्पोरियल डायलिसिस में जाता है. उसको उसका जो किडनी होता है वो अगेन एंड अगेन वॉश किया जाता है, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं, ठीक है, डायलाइजर मशीन के थ्रू, जिससे क्या होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे ड्रग मॉलिक्यूल्स वहां से एलिमिनेट आउट हो जाते हैं. अब कौन से रूट्स ऑफ एलिमिनेशन होते हैं किडनी से, कहता है कि किडनी पहला रूट ऑफ एलिमिनेशन किडनी है, दूसरा रूट ऑफ एलिमिनेशन लिवर है, तीसरा जीआईटी और चौथे लंग्स एंड देन अदर रूट्स. ठीक है, एलिमिनेशन का जो एलिमिनेशन होता है ड्रग की बॉडी से रिमूव आउट हो जाना, ठीक है, टोटली रिमूव आउट हो जाना, पहले मेटाबलाइज होना फिर एक्सक्रीट आउट होना, तो दोनों चीजें ही एलिमिनेशन में आती है. सबसे पहला रूट होता है किडनी. एक्सक्रीशन ऑफ अ ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट इन द यूरिन इन्वॉल्व, क्या क्या चीजें उसमें शामिल होती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पहले किडनी में फिल्टर होता है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल ड्रग जो मोर पोलर होती हैं वो फिल्टर आउट होकर किडनी की ट्यूब्यूल्स में आ जाती हैं, फिर उनकी एक्टिव ट्यूब्यूलर सेक्रीशंस होती है, जो भी कंटेंट होते हैं वो एक्टिवली किडनी में आ जाते हैं, पैसिव ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन, किडनी जो होती है वो पैसिवली उसको रीअब्सॉर्ब बैक कर लेती है. तो किडनी में सबसे पहले ये चीज होती है कि जो भी मेटाबोलाइट होते हैं वो यूरिन में पहले मेटाबोलाइज होते हैं, फिर फिल्ट्रेशन, सबसे पहले फिल्टर होकर आते हैं किडनी सिक्रीशन, एंड जो बाकी की पैसिव होता है, कोई भी चीज अपनी हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन की तरफ आती है तो उसे हम पैसिव कहते हैं. एक्टिव का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाता है तो उसे हम एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस कहते हैं. लिवर क्या होता है, इट कैन सिक्रीट ड्रग ऑन देयर मेटाबोलाइट्स इनटू द बाइल दैट आर लॉस्ट इन द फीसिस, फीसिस में लॉस हो जाता है, सो द ड्रग मे बी रीअब्सॉर्ब इन द इंटेस्टाइन टू अगेन एंटर इनटू द सर्कुलेशन. कहता है जो ड्रग सिक्रीट हुई मेटाबोलाइज होने के बाद अपने बाइल में वो फीसिस से निकल गई, तो कुछ ड्रग जो होती हैं वो रीअब्सॉर्ब बैक कर जाती हैं थ्रू द इंटेस्टाइनल रीजन, ठीक है, और वो एंटर हो जाती हैं इनटू द सर्कुलेशन. जीआईटी ट्रैक में, जीआईटी ट्रैक से जैसा कि थायोसाइनेट, आयोडाइड, मर्करी, स्लाइवा के अंदर मॉर्फीन, जो कि सारे पैसिव डिफ्यूजन से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं इनटू द स्टमक. लंग्स से जो ड्रग्स वोलाटाइल नेचर की होंगी और जो जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं, इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स, आपने पढ़े हुए हैं इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स, वो सारे ड्रग्स जो होती हैं वो एक्सक्रीट आउट होते हैं थ्रू द लंग्स. अदर रूट्स कौन से होते हैं, स्लेड्स, टीयर, ब्रेस्ट मिल्क और स्लाइवरी सेक्रीशंस. दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है,
काइनेटिक्स में एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं इसको। काइनेटिक्स में बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले ड्रग के जितने भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं वो टोटली फार्माकोलॉजी दो चीजों पे कंसिस्ट कर रही होती है, वन इज द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड अदर इज द फार्माकोडायनामिक्स। काइनेटिक्स में सबसे पहले ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ओरल हो गया, सबलिंगुअल हो गया, पेरेंट्रल हो गया, ठीक है, अदर रूट्स। फिर एडमिनिस्टर हो गई है ड्रग तो उसकी एब्जॉर्प्शन, ठीक है, थ्रू द पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करवाने के बाद ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी, फिर उसकी मेटाबॉलिज्म, फिर ड्रग की एलिमिनेशन। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, ये चार स्टेप्स होते हैं जो कि काइनेटिक्स कवर करती है, ठीक है। देन आ जाता है डायनामिक्स, द ड्रग मे एक्सर्ट देयर इफेक्ट बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल बाय इंटरेक्टिंग विद देयर रिसेप्टर्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टारगेट मैक्रोमॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस आर द इंट्रासेलुलर, ठीक है। अब ड्रग जो है वो सारे रूट्स को फॉलो करते हुए कहां पहुंच गई है, ऑन टू द साइट ऑफ एक्शन, जहां वो काम करती है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स तक पहुंच गई है, टारगेट सेल तक पहुंच गई है, रिसेप्टर तक पहुंच गई है, सेल की सर्फेसिस तक पहुंच गई है, ठीक है। तो ड्रग जो थी वो ओरली अगर हमने दिया, ओरल से वो स्टमिक में, स्टमिक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड में आ गई, ब्लड ने उसे थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, उसमें से जितना भी हिस्सा मेटाबोलाइज होना था वो हो गया और जो एलिमिनेट आउट होना था वो भी हो गया, ठीक है। अब वो पहुंच गई जो एक्टिव फॉर्म है टूवर्ड देयर साइड ऑफ एक्शन, अपने साइड ऑफ एक्शन पर। अब उसका जो साइड ऑफ एक्शन है उसके साथ वो इंटरेक्शन करेगी, ठीक है, अपने रिसेप्टर्स के साथ वो ड्रग बाइंड होगी। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं और आउटर सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, यानी कि एक ऐसे रिसेप्टर जो सेल के बाहर होंगे और ऐसे रिसेप्टर भी हो सकते हैं जो सेल के अंदर होंगे। वो कहता है रिसेप्टर बाइंड ड्रग, रिसेप्टर के साथ जैसे ही ड्रग बाइंड होती है तो वो इनिशिएट कर देती है ऐसे इवेंट्स को दैट लीडिंग टू अल्टरिंग द बायोकेमिकल बायोफिजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स एंड कंसिक्वेंटली द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। तो वो कहता है कि जैसे ही ड्रग अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तो वो बायोकेमिकल, ठीक है, बदल देती है, जो रिसेप्टर बेसिकली एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है फिजिकल केमिकल, वो उस एक्टिविटी को बदल देती है सेल के अंदर या वो सेल के बाहर वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हो, या बेसिकली हम ड्रग उस फिनोमिना में ले रहे होते हैं जब हमें ऐसे लगता है कि हमें ये जो फिजियोलॉजिकल वर्किंग चल रही है हमें इसमें चेंज चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन की तरफ जा रही है, ये डिजीज कॉज कर रही है जो अभी कंडीशन चल रही है, तो उसको बदलना हमारा मेन मकसद होता है। तो ड्रग अपने जब साइड ऑफ एक्शन तक पहुंच जाती है, अपनी जगह जहां उसने वर्किंग करनी है वहां तक पहुंच जाती है, अपने रिसेप्टर तक पहुंच जाती है, तो उसकी बायोकेमिकल और बायोफिजिकल एक्टिविटी को बदल देती है और अनटिल क्या होता है पूरे ऑर्गन का फंक्शन भी चेंज हो जाता है। वो कहता है ड्रग मे इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर्स इन मैनी डिफरेंट वेज, अपने रिसेप्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, बाइंड हो सकती है बहुत सारे तरीकों से। ड्रग मे बाइंड टू द एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड्स आर द मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, एंजाइम के साथ ड्रग बाइंड हो रही है, न्यूक्लिक एसिड के साथ बाइंड हो रही है, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो रही है। सो बेसिकली डायनामिक्स क्या है, ड्रग का अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होना, मैक्रोमॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होना, सेल की ऊपर वाली सरफेस के साथ बाइंड होना या इंट्रा सेलुलरली बाइंड होना, ठीक है। रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तो होने के बाद ये बायोकेमिकल या बायोफिजिकल एक्टिविटी को शुरू करती है, अनटिल क्या होता है फंक्शन पूरे ऑर्गन का बदल जाता है, जो वो पहले परफॉर्म कर रहा था वो चेंज हो जाता है। कहता है मेजर जो रिसेप्टर्स होते हैं जिसके साथ ड्रग बाइंड होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करती है वो फॉलोइंग होते हैं। सबसे पहले आ जाता है लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ द आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये बेसिकली किस लिए होते हैं, जो फ्लो ऑफ आयंस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर रहा होता है, फ्लो ऑफ आयन होता है, दिस इज कॉल्ड एज लाइगन गेटेड आयन चैनल्स, है ना। तो बेसिकली ये वो रिसेप्टर होंगे जो आयन के फ्लो को फॉलो करते हैं। सो द एक्टिविटी ऑफ दीज चैनल इज रेगुलेटेड बाय बाइंडिंग ऑफ अ लाइगैंड टू द चैनल्स। जैसे ही कोई लाइगैंड इन चैनल्स के साथ बाइंड होता है तो उसकी एक्टिविटी भी बदल जाती है, जैसा कि निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर्स, गाबा रिसेप्टर, ये सारे वो रिसेप्टर हैं जो किसके साथ बाइंड होते हैं, आयंस के साथ बाइंड होते हैं, और जैसे ही आयंस इनके साथ बाइंड होता है तो इन रिसेप्टर की एक्टिविटी बदल जाती है।
दूसरा होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, दूसरी फैमिली होती है वो जो प्रोटीन्स के साथ बाइंड होती है, कौन सी वाली प्रोटीन, जी प्रोटीन। तो इस तरह के रिसेप्टर जो जी प्रोटीन के साथ बाइंड होंगे हैविंग, और उस जी प्रोटीन के तीन सब यूनिट है अल्फा बीटा और गैमा। जैसे ही बाइंडिंग होती है लाइगेंड की एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन के साथ तो वो एक्टिवेट करता है जी प्रोटीन को, तो दिस इज द जी प्रोटीन कपल। कहता है इसका एक हिस्सा बाहर वाली साइड पर है, जैसे ही रिसेप्टर बाहर ड्रग के साथ बाइंड होता है अंदर वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, तो इट इज अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, कपल्ड जॉइनिंग। ठीक है, एक रिसेप्टर आउटसाइड पर है जो सेल के मेम्ब्रेन के दरमियान में है, जिसका कनेक्शन बाहर भी है अंदर भी है, तो जैसे ही वो बाहर रिसेप्टर के साथ किसी ड्रग के साथ बाइंड होगी अंदर वो जी प्रोटीन के साथ बाइंड होगी, तो जी बाहर से वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी तो अंदर जी प्रोटीन को वो एक्टिवेट कर देगी। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर वो होते हैं जो एंजाइम्स के साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स इन देयर स्ट्रक्चर द फंक्शंस बाइंडिंग ऑफ द लाइगेंड एक्टिविटी आर इनहिबिट्स दिस साइटोसोलिक एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर एक ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो एंजाइम्स के साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, जैसे ही बाइंड होते हैं तो वो उनकी साइटोसोलिक एंजाइम का मतलब है वो एंजाइम जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है वो साइटोसोलिक एंजाइम है, तो जैसे ही वो बाइंड होते हैं इन एंजाइम की एक्टिविटी को बदल देते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ दे चेंज द एक्टिविटी, आइदर दे एक्टिवेट देम आर इनहिबिट देम, या तो जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो उसको बढ़ाएगी, ठीक है, उनको एक्टिवेट करेगी या फिर उसको इनहिबिट कर देगी, तो वो अल्टर कर देती है एक्टिविटी को। ठीक है, सो दे अल्टर द एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम द थर्ड मेजर फैमिली ऑफ द रिसेप्टर्स कंसिस्ट ऑफ दोज हैविंग द साइटोसोलिक एंजाइम एज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स बाइंडिंग ऑफ द लाइगेंड एक्टिवेट बढ़ा देती है एक्टिविटी आर इनहिबिट या रोक देती है इस साइटोसोलिक एंजाइम की एक्टिविटी को। लास्ट वन रिसेप्टर आर द इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, द फोर्थ फैमिली ऑफ द रिसेप्टर इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, दीज रिसेप्टर्स आर आइदर इन द साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर है ना, तो सेल के अंदर या दो ही चीजें हैं, एक साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है, तो या तो ये रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे या ये रिसेप्टर न्यूक्लियस में पाए जाएंगे, तो इससे क्या होगा रिस्पॉन्स जो होगा वो या तो बढ़ जाएगा, ठीक है, जीन ट्रांसक्रिप्शन का, या फिर कम हो जाएगा। सो फार्माकोडायनामिक्स क्या होती है, कहते हैं जो ड्रग जब सारी मेथड से गुजरकर, सारी प्रोसेसिंग से गुजरकर, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इन सारे रीजन से गुजरकर अपने रिसेप्टर साइट तक पहुंच जाती है जो एक्टिव ड्रग होती है, तो वो रिसेप्टर के साथ जाकर जिन चीजों के साथ, जिन मॉलिक्यूल के साथ उसने एक्चुअल में बाइंड होना होता है उनके साथ जाकर बाइंड हो जाती है, दिस इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स। जब ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन आ जाता है, ड्रग का अपने रिसेप्टर के साथ जो इंटरेक्शन आ जाता है तो उसे हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। जैसे ही रिसेप्टर इंटरेक्शन आ जाता है तो जो पहले से फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, चाहे वो बायोकेमिकल है, चाहे वो बायोफिजिकल है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का कोई वर्किंग जो पहले से परफॉर्म कर रहा है वो, ये उसको अल्टर कर देगी, बदल देगी। सो हम डायनामिक्स की सबसे जो सिंपल डेफिनेशन है दैट इज द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। अब रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं जिनके साथ कोई भी ड्रग बाइंड हो सकती है, ठीक है, दो ही चीजें हैं डायनामिक्स में, वन इज द ड्रग, अदर इज द रिसेप्टर, सो इट इज द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस। पहले तरह के रिसेप्टर वो होते हैं जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स है, आयन चैनल मतलब रिसेप्टर ऐसे होंगे जिनमें आयन्स के चैनल्स होंगे, आयन्स बाहर भी निकलेंगे अंदर भी आएंगे, सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ द आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयन्स फ्लो करेंगे। इन चैनल्स का ये होगा कि इनके साथ लाइगेंड आयन आयन टू द चैनल्स, जैसे कि निकोटिनिक गाबा रिसेप्टर्स आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वो होते हैं जिन जो के जी प्रोटीन के साथ, ये ऐसे होते हैं बेटा जो आधे बाहर होते हैं रिसेप्टर्स, आधे अंदर होते हैं, तो जैसे ही बाहर वो बाइंड होती है ड्रग के साथ तो उसका जो अंदर वाला साइड होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और अंदर वो बाइंड होती है जी प्रोटीन, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रोटीन होती है उसे हम कहते हैं जी प्रोटीन। ठीक है, अब वो कहता है जी प्रोटीन के तीन सब यूनिट है अल्फा बीटा और गैमा, तो जैसे ही बाहर वो ड्रग के साथ बाइंड होंगे अंदर वाली साइड पर वो जी प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएंगे, जैसे ही वो जी प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं तो जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है,
एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स जो सेल के अंदर एंजाइम्स के साथ लिंक करते हैं, और एंजाइम वो किन एंजाइम के साथ लिंक करते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, सो इट इज अ साइटोसोलिक एंजाइम, ठीक है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स वो जो सेल के अंदर होते हैं, अब इंट्रासेलुलर दो तरह के होते हैं, या तो वो साइटोप्लाज्म में होंगे इन द साइटोसोलिक रीजन, या फिर न्यूक्लियोलस में होंगे न्यूक्लियस में, ठीक है। और जो इंक्रीज करेंगे जीन ट्रांसक्रिप्शन को, जीन ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना और मैसेंजर आरएनए से देन प्रोटीन का बनना, तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं।